लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मंथली प्रेडिक्शन मंथ ऑफ फरवरी 2024 की। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके सिग्नस पे बेस्ड हैं, आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने सेंडर साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुनें। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग मंथ फरवरी 2024 एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। अब बात करते हैं जेमिनी सेंडर्स की फरवरी 2024 की। मिथुन लगन की फरवरी 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। देखें आपके लगन के जो लॉर्ड है मरकरी, वो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे 2 फरवरी तक। उसके बाद मरकरी आपके 2 फरवरी के बाद आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। लेकिन बृहस्पति का गोचर 11th हाउस में रहेगा मंथ ऑफ फरवरी 2024 में। शनि का गोचर आपके 9th हाउस में रहेगा मंथ ऑफ 2024 में। शुक्र का गोचर 11th फरवरी तक आपके सेजिटेरियस साइन 7th हाउस में रहेगा। उसके बाद जो वीनस होंगे 11th फरवरी के बाद आपके 8th हाउस में अष्टम भाव में चले जाएंगे। देखिए मंथ ऑफ फरवरी जो स्टार्ट है आपके लिए कुछ धीमी रहेगी, आपकी हेल्थ को लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक का जो टाइम है, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। बैक बोन रिलेटेड ट्रबल, नर्वस सिस्टम रिलेटेड ट्रबल, नोज रिलेटेड ट्रबल, या नोज में कोई पेन या नेक में कोई प्रॉब्लम, ये आपको रह सकती है। नसों में थोड़ा सा ढीलापन रह सकता है, इसमें आपको अलर्ट होकर चलना है। आपकी सूंघने की शक्ति कम हो जाएगी। जेमिनी असेंडेंस अगर आपका है तो आपके आपको अपनी हेल्थ की ओर पहले तकरीबन 16-17 दिन बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चलना है। 2 फरवरी से 18 फरवरी तक किसी किस्म की भी कोई इग्नोरेंसी अपनी हेल्थ से रिलेटेड नहीं दिखानी। अगर कोई नेगेटिव सिम्टम देखते हैं तो नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। थायराइड या शुगर होने के चांसेस 100% है, लीवर में इंफेक्शन होने के चांसेस 100% है, नीड टू बी केयरफुल। नॉन वेज विस्की आपने बिल्कुल इनहेंस नहीं करना। पहले 17-18 दिन तो फरवरी के बिल्कुल भी इन चीजों से दूर रहना है, और जितना ज्यादा हो सकता है स्पिरिचुअल बने, जितना ज्यादा हो सकता है गॉड फेयरिंग बने, लेकिन आय के साधन पहले 17-18 दिन आपके बंद रहेंगे। आक्स में धन लाभ भी आपको रहेगा, स्टॉक मार्केट से, इंट्राडे से या फ्यूचर से या किसी ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, लेकिन वो मुनाफा आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा। लेकिन 18 फरवरी के बाद आपकी पूरी की पूरी गेम चेंज होगी। भाग्य का भरपूर सहारा आपको 18 फरवरी के बाद मिलना शुरू होगा। 18 फरवरी से 29 फरवरी का पीरियड होगा व्हेन यू मे साइन न्यू डील और न्यू कॉन्ट्रैक्ट और यू मे बाय न्यू प्रॉपर्टी। दिस विल बी हाईली पावरफुल डेज फॉर यू व्हेन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी एज पर योर एक्सपेक्टेशन। पहले 18 दिन स्लो डाउन है हेल्थ को लेकर, बिजनेस प्रोफेशन को लेकर, रिटर्न्स को लेकर बहुत ज्यादा स्लो डाउन चलेगा। लेकिन 18 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक का जो पीरियड होगा आपके लिए अच्छा खासा फाइनेंस लेकर आएगा, आपके लिए अच्छे खासे रिसोर्सेज जनरेट होंगे, और दूर दराज किसी मुल्क से आपको गुड न्यूज मिल सकती है जिसमें आप लाइमलाइट में रहेंगे। अगर विदेशी किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट 18 फरवरी से 29 फरवरी तक रहेगा। स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा आपको इन 10-11 दिनों में 18 फरवरी से 29 फरवरी तक रहेगा। और ये भी हो सकता है कि स्टॉक मार्केट के अलावा प्रॉपर्टी से आपको कोई सडन फाइनेंशियल गेन्स हो जाएं जो आपने सोचे ना हो। यानी 18 फरवरी के बाद फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे। सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, FDRD में आपकी बढ़ोतरी होगी, थिंग्स विल बी वंडरफुल एज पर योर एक्सपेक्टेशंस From 18th Feb to 29th of Feb। अपने पिता की ब्लेसिंग्स जरूर लें, अपने पिता का उतरा हुआ कोई गोल्ड का चेन अपने गले में डाल लें, एक येलो सफायर और एमरल्ड पेंडेंट बना के गले में डाल लें, या येलो सफायर को गले में डालें और एमरल्ड को राइट हैंड की रिंग फिंगर, सूर्य की उंगल, लिटिल फिंगर में नहीं अपने डालना, सूर्य की उंगल में डालना है। पन्ना कैरेट होना चाहिए आपकी बॉडी वेट के हिसाब से और आपके बर्थ चार्ट में मरकरी और जुपिटर की डिग्री के हिसाब से। लेकिन ये महीना 18 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में आपके लिए कोई आपकी मेजर विश फुलफिल हो सकती है। बड़े भाइयों से आपको सपोर्ट मिल सकती है, फ्रेश आइडियाज आपके बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्थ वेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मेंटल पीस आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, हर एक तरह से सुख सुविधाओं का आनंद आप भोगेंगे। लेकिन पहले 17-18 दिन आपके लिए कोई नया डील, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, ना कोई लोन लेना है, ना कोई देना है, तो चीजें आपकी बेहतर जाएंगी। लेकिन अगर पहले 16-17 दिन आप कोई लोन ले लेंगे तो इजिली पे नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों की ओर आपने ध्यान देके चलना है। जेमिनी किसी भी चीज को लेके इग्नोरेंट नहीं बनना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए 18 फरवरी से 29 फरवरी के बीच अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। गणेश भगवान की उपासना करें, 3 बार, 5 बार या 7 बार हर रोज सुबह
गणेश चालीसा का उच्चारण करें, जितना ज्यादा हो सकता है अपनी छोटी बहन को गिफ्ट दें, अपनी छोटी बहन की ब्लेसिंग्स लें या बड़ी बहन की ब्लेसिंग्स लें, बुआ जी की मासी जी की ब्लेसिंग्स लें और फटकरी के साथ अपने दांत साफ किया करें। हर रोज सुबह ब्रश करने से पहले फटकरी के साथ अपने दांत साफ करें, उसके बाद आपने ब्रश करना है। और हो सकता है तो इस सारे मंथ में फरवरी 2024 में आपने नॉनवेज और विस्की इनहेंस बिल्कुल नहीं करनी। स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, आई एम पिंग फॉर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।